नमस्कार दोस्तों, मैं आज जाने वाला हूँ एक मराठी नाटक देखने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस मराठी नाटक में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी एक्ट किया है, समीर ने, सतीश ने, इसके अलावा मेरे फ्रेंड हैं मंगेश कास्कर, उन्होंने भी इसमें अच्छा अभिनय किया है। और ये मराठी प्ले जो है ये जंगल बुक, जी हाँ, जंगल बुक के ऊपर आधारित है। प्ले का नाम ही है जंगल बुक। तो आज मैं देखूंगा कि कैसा है ये प्ले और मेरे बच्चों ने कैसा काम किया है, और उसके बाद इस पे मैं रिव्यू दूंगा। तो आज यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि मुझे जाना होगा ठाणे। ठाणे में आज इसका शो हो रहा है, तो यहाँ से जाऊंगा दादर, फिर दादर से ट्रेन से जाऊंगा ठाणे, और वहां पर मैं जाकर ये प्ले देखूंगा और फिर बताऊंगा कैसा रहा मेरा इस प्ले का अनुभव। मैं निकल चुका हूँ मुंबई लोकल का आनंद ले रहा हूँ, मुंबई की लाइफ लाइन से दादर, दादर से फिर ठाणे। फाइनली मैं दो ट्रेन चेंज करने के बाद अब ठाणे पहुंच चुका हूं, और ठाणे की सड़कों पर, देखिए स्टेशन के बाहर मैं चल रहा हूं। यहां ऑटो का थोड़ा ऑटो मिलने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं पैदल ही चल रहा हूं। अब मैं बैक स्टेज ये देखिए। बैक स्टेज हो रही है तैयारी, मैं अपने टीम के साथ, और ये है ऑडिटोरियम। प्ले शुरू होने वाला है, जैसे ही प्ले शुरू होगा मैं देखूंगा प्ले और फिर बताऊंगा कैसा लगा। खतरनाक प्ले है, जबरदस्त प्ले, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजा आया मुझे। जिस तरह के उसमें करेक्टर्स हैं कमाल का, जो मेकअप है, जो गेटअप है जबरदस्त, जो लाइटिंग की गई है, जो म्यूजिक है जबरदस्त, आपके आंखों को ट्रीट मिल रहा है। आप बच्चों का रिएक्शन देखते, बच्चों से हॉल एकदम ठसाखस भरा हुआ, और लाइव जो बच्चों का रिएक्शन था, हर एक डायलॉग के साथ बच्चों का रिएक्शन जा रहा था, ऑडियंस में से बच्चे जो हल्ला कर रहे थे और धमाल कर रहे थे, देखने लायक था, बहुत मजा आया, पूरा ऑडिटोरियम जिंदा हो गया था। ये ताकत है जंगल बुक की। मुझे लगता है कि एक्टर्स सारे कमाल की एक्टिंग किए हैं, डायरेक्शन भी अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छा है। मैं तो सेट पे भी धमाल किया, सेट के पीछे भी गया, चूंकि मेरे आर्टिस्ट हैं उसमें, तो उन सबसे जाकर मैं मिला, मैं देखा कि बैक स्टेज क्या क्या काम हो रहा है, मेकअप रूम में कैसे काम हो रहा है, आर्ट डायरेक्शन की टीम कैसे काम कर रही है। प्रोड्यूसर से काफी देर तक बात हुई, मैंने उनसे बात भी किया, उनकी आगे की प्लानिंग है इसे हिंदी में करने का। मुझे लगता है इसे हिंदी और इंग्लिश में करके भारत के हर कोने कोने में ले जाना चाहिए, और बच्चों को खासकर जरूर देखना चाहिए। सभी पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ले जाकर ये प्ले दिखाएं, प्ले वाकई में कमाल है। मैं और मेरी वाइफ गए थे, हम लोगों ने खूब मस्ती किया। प्ले अभी मराठी में, फिर भी मुझे मराठी आती है, थोड़ी थोड़ी मराठी आती है, लेकिन जितनी भी आती है मुझे बहुत मजा आया। मैं तो बीच में डांस भी कर रहा था, दो गाने हैं, दोनों गानों पर मैं डांस भी कर रहा था, बहुत मजा आ रहा था। और जो स्टोरी लाइन है खतरनाक, बहुत ही अच्छा, सबसे मस्त, मतलब नाटक में इस तरह के कैरेक्टर देखना अपने आप में एक बेहद उम्दा अनुभव है, मुझे बहुत पसंद आया। और अगर मैं बात की जाए इसकी कमजोरी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा और पॉलिश किया जा सकता है, फर्स्ट हाफ का और वर्क किया जा सकता है, सेकंड हाफ को कमाल का है, खतरनाक। ओवरऑल अगर पूरे प्ले की बात की जाए तो प्ले धमाल है, पैसा वसूल। आप जाए अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चों को इससे बेहतरीन गिफ्ट आप क्या दे रहे हैं। आप जाइए अपने बच्चों को लेकर जाइए, छोटे छोटे बच्चे बहुत मजा कर रहे हैं, उनके लिए तो एकदम लाफ्टर राइड है ये। जरूर इस प्ले को देखें। इस प्ले की पूरी टीम को, कास्ट एंड क्रू को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि जंगल बुक द ट्रेजर हंट, कि आपके आसपास जहां भी लग रहा हो, ये शो जहां भी हो रहा हो, जाकर जरूर देखिए, कमाल का शो, कमाल का प्ले।